हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गला थोड़ा ख़राब है, माइंड मत करना। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं एक हॉलीवुड हॉरर थ्रिलर की, रेडी और नॉट। ये 2019 में रिलीज़ हुई थी और आईएमडीबी ने इसे दिया है 6.9 आउट ऑफ 10। तो चलिए, समय ना गवाते हुए शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम डैनियल नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं, जिसके पास एक घायल आदमी आता है मदद मांगने। कोई उसका पीछा कर रहा था, उसे मारना चाहता था। हम देख पाते हैं वो अपनी वेडिंग ड्रेस में था, तभी कुछ मास्क पहने लोग वहाँ आते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। उसकी ब्राइड भी वहीं थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाती और दरवाज़ा बंद हो जाता है। हमें सुनाई देती है तो बस एक चीख। कहानी 30 साल बाद प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। हम देखते हैं एक खूबसूरत जोड़े, एलेक्स और ग्रेस को, जिनकी आज शादी होने वाली है। एलेक्स डैनियल का छोटा भाई है। तभी वहाँ डैनियल आता है उन्हें ले जाने। उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद वो दोनों साथ में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, तभी वहाँ एलेक्स की आंट हेलेन आ जाती है। वो उन्हें बुलाने आई थी। एलेक्स थोड़ा परेशान दिख रहा था। वो अपनी पत्नी ग्रेस को बताता है, दरअसल जब हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो हम एक गेम खेलते हैं। ये गेम द ग्रेटेस्ट डोमास फैमिली का रिवाज है। ग्रेस को इसमें कुछ बुरा नहीं लगता तो वो तैयार हो जाती है। बेचारी ग्रेस, उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है। खेलने के लिए उसे बस इन लोगों के दिल में अपनी जगह बनानी थी। या हम एलेक्स और उसके फादर की बातों से समझ पाते हैं इस गेम के पीछे कोई तो राज है। कुछ देर बाद ग्रेस उन लोगों के पास नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी मदर इन लॉ उससे बहुत अच्छे से बातें करती है। कुछ देर बाद उन्हें ज्वाइन करते हैं फिच और एमिली, एक कपल। दरअसल एमिली एलेक्स की बहन है। वो लोग ग्रेस को एक अजीब से रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ बहुत सारी कैंडल्स और हथियार के साथ ही जानवरों के कटे हुए सिर लगे हुए थे। फिर एलेक्स के फादर मिस्टर डोमास अपनी पारिवारिक शोहरत और परंपरा का किस्सा सुनाते हैं। वो एक बॉक्स निकालते हैं जिसमें से ग्रेस को एक ताश का पत्ता चूज करना था, जो बताने वाला था आखिर आज रात वो लोग कौन सा गेम खेलने वाले हैं। ये किस्मत का खेल है। ग्रेस को जो कार्ड मिलता है वो होता है हाइड एंड सीक का। ये कार्ड देखकर सारा परिवार सन्न रह जाता है। फिर मिस्टर ली डोमास खेल के नियम बताते हैं। वो बताते हैं कि ग्रेस को छुपना होगा और बाकी लोग उसे ढूंढेंगे। वो बताते हैं अगर ग्रेस सुबह होने तक छुपने में कामयाब रही तो वो जीत जाएगी। फिर ग्रेस छुपने के लिए चली जाती है और इधर शुरू होता है डोमास फैमिली का असली गेम। मिस्टर ली डोमास अपने सारे परिवार को हथियार दे देते हैं। सारे घर के कैमरा ऑफ कर दिए जाते हैं, लाइट्स भी बंद कर दी जाती है और एलेक्स को छोड़कर पूरा परिवार तैयार हो जाता है ग्रेस का शिकार करने के लिए। इसका मतलब अगर ग्रेस सुबह होने से पहले पकड़ी गई तो वो मारी जाएगी। यही है इस परिवार की घिनौनी प्रथा। इधर ग्रेस इस सबसे अनजान क्लोजेट में छुपी बैठी थी और एलेक्स उसके लिए काफ़ी घबरा रहा था। चाहकर भी वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था। वो एक हिडन पैसेज वे से बाहर निकल जाता है ग्रेस को बचाने के लिए। वो ग्रेस से प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। हम देख पाते हैं एलेक्स की माँ ये करना नहीं चाहती थी, मगर उसे करना पड़ रहा था। और फिच, उसे तो वो हथियार चलाना भी नहीं आता था जो उसे दिया गया था, ना उसे इस खेल के बारे में कुछ पता था। इधर ग्रेस छुप छुप कर थक चुकी थी, इसलिए वो क्लोजेट से बाहर आ जाती है। तभी वो एक दूसरी जगह छुपती है तो उसे एलेक्स पीछे खींच लेता है। इधर एक नौकरानी लॉबी में घूम रही थी एमिली के बेटे जॉर्जी को ढूंढते हुए। वो उसी कमरे में आ जाती है जहां वो दोनों छुपे हुए थे। जैसे ही वो दूसरे दरवाजे के सामने आती है, एमिली उसे शूट कर देती है। ये देख कर ग्रेस की हालत ख़राब हो जाती है। एलेक्स के बताने से पहले ही सच उसके सामने आ जाता है, वो भी इतने भयानक तरीके से। इधर जब एमिली और पूरा परिवार अंदर आता है तो नौकरानी को देखकर अफसोस करते हैं। वो लोग इतने पागल सनकी हो सकते हैं, ये ग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था। एलेक्स उसे वहाँ से लेकर भागने की कोशिश करता है। वो उसे टनल में लेकर जाता है, उसे जूते देता है पहनने के लिए। वो दोनों ऊपर उस टनल में बात कर रहे थे, उनकी आवाज़ें नीचे वॉशरूम में बैठा फिच सुन लेता है। ग्रेस एलेक्स पर गुस्सा थी, ग्रेस बहुत घबराई हुई थी। एलेक्स उसे किचन की तरफ भेजता है और खुद जाता है सिक्योरिटी रूम में दरवाजे अनलॉक करने। इधर ग्रेस सबसे पहले अपने गाउन को घुटनों तक फाड़ लेती है और फिर चलती है किचन की तरफ। वहाँ दो दरवाजे थे, वो गलत दरवाजे से बाहर निकलती है। उसके सामने थे मिस्टर ली डोमास, डैनियल और आंट हेलेन।
वो लोग उसे मारने ही वाले थे, मगर एमिली की बेवकूफ़ी से वो बच जाती है। वो सीधे पहुंचती है एक दूसरे कमरे में। वो वहां से निकलने की कोशिश कर ही रही थी कि वहां डैनियल आ जाता है, लेकिन वो लकीली उसे कुछ नहीं करता। वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो डैनियल उसे 10 सेकेंड देता है भागने के लिए और वो भाग जाती है। 10 सेकेंड बाद वो सबको बता देता है, मगर तब तक ग्रेस छुप चुकी थी। इधर डैनियल और उसकी पत्नी की बातों से हम समझ पाते हैं डैनियल उसे नहीं मारेगा, वो ये नहीं करना चाहता। सारा परिवार स्टडी में आ जाता है। एमिली ने फिर से अपनी गन घुमा दी थी। कहीं ना कहीं एमिली की बेवकूफ़ियों की वजह से ही ग्रेस बच रही थी। एक बार फिर से आर्चर लेते हुए वो उससे चल जाता है और ग्रेस की खबर देने आई एक नौकरानी कुछ कहने से पहले ही मारी जाती है। इस परिवार की हरकतें देखकर हम समझ पाते हैं ये सब साइको है, परंपरा के नाम पर मौत का तांडव कर रहे हैं। मूवी की शुरुआत में जो बंदा इस परिवार द्वारा मारा गया था वो हेलेन का पति था। इधर हम देखते हैं एक बार फिर से ग्रेस का शिकार करने निकलते हैं वो लोग। इस बार वो कैमरा का यूज़ करने का सोचते हैं। वो डैनियल को कैमरा ऑन करने को कहते हैं। इधर ग्रेस उस रूम से गन उठा लेती है सेल्फ डिफेंस के लिए और एलेक्स पहुंच जाता है सिक्योरिटी रूम में। ग्रेस किचन में पहुंच जाती है। वो दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करती है। जब एलेक्स दरवाज़ा नहीं खोल पाता तो वो अपनी गन का इस्तेमाल करना चाहता है, मगर एन वक्त पर वो गन जाम हो जाती है। तभी एक सर्वेंट किचन में आता है जिसे देखकर वो छुप जाती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी एलेक्स कैमरा चालू कर देता है। डैनियल के फादर और डैनियल ओन कैमरास को देखकर समझ जाते हैं सिक्योरिटी रूम में एलेक्स है। इधर ग्रेस की गन लोड हो जाती है जिसकी आवाज़ से वो सर्वेंट चौंकना हो जाता है। तभी दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। जैसे ही ग्रेस उसे शूट करने की कोशिश करती है उसकी गन जाम हो जाती है, वो काम नहीं करती। तो ग्रेस उसके सर पर चाय का प्याला तोड़ देती है, मगर इतनी कोशिशों के बाद भी वो बाहर नहीं जा पाती। इधर मिस्टर डोमास और डैनियल इस रूम में आए, तब तक एलेक्स सारे सिस्टम को तोड़ देता है जिससे वो उसे कैमरा में ना देख पाए और दरवाजे लॉक ना कर सके। ये देखकर उसके फादर गुस्से से पागल हो जाते हैं। एलेक्स अपने पिता को सफोकेट करके मारने ही वाला था, डैनियल उसे रोक लेता है। मिस्टर डोमास पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। इधर ग्रेस छत से कूद जाती है और बाहर भागती है, लेकिन बाहर उनका वही नौकर था, तो ग्रेस बाड़े में छुप जाती है। तभी वहाँ जॉर्जी आता है। वो उसे देखकर रिलैक्स होती है, पर वो छोटा बच्चा ग्रेस पर गोली चला देता है। निशाना चूकने की वजह से गोली ग्रेस के हाथ में लगती है, तो ग्रेस को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पंच मारकर वहीं बेहोश कर देती है। ग्रेस की हालत पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, गोली लगने की वजह से खून बहुत बह रहा था। किस दुल्हन ने सोचा होगा कि उसकी शादी के बाद उसकी ससुराल में उसका ऐसा स्वागत होगा। जैसे ही ग्रेस बाड़े से निकलकर भागती है, डैनियल की पत्नी उसे देख लेती है, मगर लकीली उसका निशाना भी चूक जाता है। वो अपने नौकर को भेजती है उसे ढूंढने के लिए। बाहर निकलने पर ग्रेस को एक कार दिखती है, मगर वो लोग उसकी मदद नहीं करते। वो जंगल की तरफ भागती है। उनका नौकर उन्हें वीडियो कॉल पर बताता है कि वो जंगल की तरफ भागी है। उसके भागने की बात सुनकर सब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। इधर एलेक्स खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ग्रेस भाग रही थी, पता नहीं कहां से वो सर्वेंट उसके सामने आ जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इस बार ग्रेस जीत जाती है। वो उसे बेहोश कर देती है और उसकी गाड़ी लेकर भागती है और उस कार की सॉफ्टवेयर कंपनी में कॉल लगाती है। उन्हें पुलिस बुलाने बोलती है, लेकिन वो लोग ये सोचकर कि वो कार चोरी कर रही है उस कार को शट डाउन कर देते हैं। लेकिन तभी वो कमीना सर्वेंट फिर से आ जाता है और ग्रेस को बेहोश कर देता है। जब वो होश में आती है तो देखती है उसे वापस उसी घर में ले जा रहा था, मगर ग्रेस ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थी। वो उसके मुंह पर लात मारती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से बाहर निकलती है तो वहाँ डैनियल आ जाता है, लेकिन ग्रेस जानती थी डैनियल उसे नहीं मारेगा, मगर वो उसके फेस पर बंदूक की बैक से मारता है। वो बेहोश हो जाती है। उसके ऐसा करने का कारण हमें उसी वक्त समझ आ जाता है, क्योंकि उसके फादर मिस्टर डोमास वहीं पेड़ के पीछे छुपे थे। वो लोग उसे वापस घर में उठा ले जाते हैं। इधर एलेक्स की माँ आती है उसके पास उसे समझाने कि फैमिली को उसे ऊपर रखना चाहिए। इधर सब लोग खुद को फाइनल रिचुअल के लिए तैयार कर रहे थे और एलेक्स खुद को छुड़ाने की। उन पागलों ने उसे एक टेबल पर बांध रखा था और एक अजीब सा रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। वो लोग एक एक कर के खून पीते हैं, मगर यहाँ कहानी पलट जाती है। जैसे ही मिस्टर डोमास उसे मारने वाले थे, उन्हें खून की उल्टी होती है।
और उनके साथ साथ सारे परिवार को सिवाय डैनियल के। उसके पिता को समझते देर नहीं लगती, डैनियल ने उन्हें जहर दिया है। इधर एलेक्स भी खुद को छुड़ा लेती है। डैनियल ग्रेस को लेकर भागता है वहाँ से यहाँ ग्रेस का विश्वास जीत जाता है। वो उसे लेकर भाग रहा था तभी उसकी पत्नी वहाँ जाती है और उसे गोली मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर एलेक्स उस तरफ भागता है। डैनियल को घायल देखकर ग्रेस गुस्से में उसकी पत्नी पर हमला बोल देती है। वो वहाँ से भागने लगती है तो मिस्टर डोमास वहाँ जाते हैं, मगर अब ग्रेस पर डर का कोई बस नहीं चलता। वो जीत चुकी थी डर से। वो उस पर भी हमला करती है लैंप से और उस कमरे में आग लगाकर भागती है। इधर एलेक्स डैनियल के पास आता है। डैनियल को गोली गर्दन पर लगी थी, वो मर जाता है। इधर ग्रेस टकराती है एलेक्स की माँ से और उन दोनों में हाथापाई होती है, जिसमें ग्रेस उन्हें उस वुडन बॉक्स से मार मार कर उनकी जान ले लेती है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। वो अपनी माँ को मरा हुआ देखता है और लेकिन फिर भी वो उसे अपना प्यार जताता है, रियलाइज़ करवाने लगता है कि वो ग्रेस को कितना प्यार करता है। और जब ग्रेस पूरी तरह यकीन कर लेती है कि अब वो सेफ है, तभी एलेक्स उसे धोखा दे देता है। चिल्लाकर सबको बुला लेता है। सभी लोग उसे फिर से पकड़ लेते हैं और इस बार एलेक्स उस पर वार करने वाला होता है, मगर खंजर उसके शोल्डर पर लगता है। वो उठकर विंडो के पास आ जाती है। हेलेन देखती है सूरज निकल गया है। उन्हें ये मान्यता थी कि अगर बंदा सुबह तक जिंदा रहने में कामयाब हो गया तो वो लोग सूरज की रोशनी में जल जाएंगे, मगर जब हेलेन पर्दा हटाती है उन्हें कुछ नहीं होता। पर अचानक वो सब लोग एक एक करके गुब्बारे की तरह फटने लगते हैं। ग्रेस देख पाती है कुर्सी पर एक साय को और ग्रेस ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। अब नंबर था एलेक्स का। एलेक्स यहाँ अपनी मौत को सामने देख ग्रेस को फिर से प्यार जताने लगता है, लेकिन ग्रेस उसकी सच्चाई जान चुकी थी। वो जैसे ही अपनी वेडिंग रिंग निकालकर उसके ऊपर फेंकती है, वो भी गुब्बारे की तरह फट जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अंत में ग्रेस अपनी हिम्मत से खुद को बचाने में कामयाब रही और पूरा डोमास मेंशन आग की चपेट में आ चुका था। पूरे डोमास परिवार का अंत हो चुका था। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डोमास फैमिली किसी तरह का सैटनिक रिचुअल फॉलो करती थी, जिसमें कि ये न्यूली वेड के साथ एक गेम खेलते थे और उसे अगर ये लोग मार देते, इनका ऐसा मानना था कि अगर वो बच गया तो ये लोग मारे जाएंगे। इन्होंने शैतान को बलि देने के लिए सब किया था और अब जबकि ये शैतान को बलि देने में कामयाब नहीं हुए थे, तो आप सब जानते हैं कि शैतान अपना चीज़ें ऐसे ही नहीं छोड़ता, तो वो इस पूरे परिवार को ही निगल लेता है। तो जैसे को तैसा इन लोगों ने ग्रेस के साथ गलत करना चाहा, तो ये सब लोगों के साथ खुद भी गलत हुआ। तो गाइज़, आप मेरे को कमेंट करके बताएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं माफ़ी चाहूँगी, मेरी सांस थोड़ी फूल रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, लेकिन प्लीज़ आप एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही और कहानी जानने के लिए। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।